कहाँ से आए हो? पाकिस्तान। वहाँ पे तंग करते थे मुसलमान, बोलते थे कुरान पढ़ो। अच्छा, कुरान पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। और जाती कोई मर भी जाता है तो उसको वो जो मैयत जो है ना, वो भी हम पानी से पानी में उठा के लेके मकान तंग पहुँचाते। हमारे गाँव को ये हालात है। जो पैसे वाला आ गया, हाँ भाई क्या हाल है? जो गरीब आदमी तो रोडों पे आके बैठे हुए हैं ना। इधर कोई भी नहीं आता है, आप आए हो। एक सिर्फ ना कोई देखने आता है ना कुछ करता है। इधर ऐसी सड़कें पड़ी है, गंदा नाला कुछ भी नहीं है इधर। आना चाहती हैं पाकिस्तान? हम इसलिए जाते हैं, इधर हमें सहूलत नहीं है। हाँ। क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ पर गर्ल्स को एजुकेट नहीं किया जाता, उन्हें टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी जाती। इतना कंजस्टेड माहौल है स्पेशली गर्ल्स को लेके यहाँ का। नजर मारते हैं, छेड़ते हैं, छेड़ते भी है पाकिस्तानी लोग। तुम्हारा बेटी दे दो, बेटी दे दो। कि यहाँ पर आप जितने भी जो लोग को देख रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकान वगैरह चला के किसी भी तरह ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। जी कितने दिन पहले आई है आप? हो गए 10-15 दिन। 10-15 दिन पहले आई है। हाँ। तो पाकिस्तान में क्या क्या परेशानी हो रहा था? बस महंगाई हो गई थी, गरीबों को कुछ देना नहीं चाहते थे, हिंदू धर्म को रखना नहीं चाहते थे। अच्छा, हिंदू धर्म को देखना नहीं चाह रहे थे? क्या बोल रहे थे? बस हिंदू है, इनका हाथ का पानी नहीं पियो, इनके हाथ का कुछ खाओ नहीं। हाँ। इनको अपने मुल्क में भेजो बस। हाँ। ये सब बोल रहे थे कि इन सभी को हिंदुस्तान भेजो। हाँ, बच्चों को ना। कितने साल से आप लोग पाकिस्तान में रह रही थी? उधर तो सब मेरे माँ बाप उधर ही गए, खाली मैं मेरे मियाँ के साथ इधर आई हूँ। बोल रहे कुरान पढ़ो। अच्छा, कुरान पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, और क्या बोला जा रहा है? बस कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ, खुद मुसलमान बनो, तब जाके तुम्हारी के तरीके देंगे। हम लोग ने बोला हम हमारा हिंदू धर्म नहीं निभाएंगे। यहाँ पे जो अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे माँ बाप के घर आ गए, जैसे लग रहा है कि माँ बाप के घर आ गए हैं, वैसा लग रहा है हिंदुस्तान में आने के बाद, है ना? ऐसा लग रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट वाले जो हाजिरियाँ लगा लगा के जाते हैं, चल भाई हम गवर्नमेंट की जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब है। हमारा बच्चा किसी की दुकान पे भी काम कर रहा, वो भी मजदूरी कर रहा, नहीं कर रहा। और गरीब आदमी तो चक्की पिस रहा ना आटे के अंदर। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा। एक हफ्ता सस्ता किया फिर महंगाई कर दी। एक तो आदमी, तो गरीब आदमी तो आटा नहीं लेके आया था। 5 किलो आटा कितने का? 750 का। वो मजदूरी करने वाले को कितने मिलते होंगे? 1000 रुपया। तो आधा दर 500-600 यहाँ पे मिलता है। 50 रुपए का, ये 50 रुपए का दही है। ओ माय गॉड, गरीब आदमी। नहीं, ये देखे, हमारी आवाम जो है ना, ये खाली तमाशा देखती है। आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, सब कुछ होता है। अभी आज कौन निकल रहा है? निकल रहा है। मैं कहता हूँ हम अमीर हैं, हम पे अफोर्ड कर सकते हैं। देखे, हम अपने कपड़े फाड़ के भी सस्ताई करेंगे। आज कहाँ है वो कपड़े जो बात करते थे बैठ के, हम अपने कपड़े फाड़ के भी सस्ताई करेंगे? आज कहाँ है वो लोग? आज एक ही कुर्सी के ऊपर बैठे हैं सारे मिलकर। और दूसरी बात ये कि ये लोग कहते हैं कि महंगाई 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 इतनी हो गई है पाकिस्तान के अंदर। आप देख लें, आज मैंने, मेरी शॉप है, आज मैंने एक बंदे से पूछा कि भाई आप कहाँ काम करते हैं? बोला मैं इस जगह काम करता हूँ। मैंने कितनी आपकी तनख्वाह है? बोला 650 रुपये रोज़। बच्चे कितने हैं उसके? 3। अब मुझे बताएं, जिसके 650 रुपये रोज़ मिलेंगे, 10 घंटे वो ड्यूटी करता है, 180 रुपये किलो दूध है, 450 रुपये किलो घी है, तो वो 650 रुपये 3 बच्चों का अपना कैसे गुजारा करेगा? हम सहूलतें होनी चाहिए जी। इधर हमें सब कोई जैसे इंडिया में जैसे सहूलत है, जैसे हमें पाकिस्तान में चाहिए। इंडिया में ऐसी कौन सी सहूलत है जिसकी वजह से आप मुल्क छोड़ रही हैं? हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमें ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी है। तो 200 रुपये हम कमाते हैं, 200 रुपये की हमको घर पे नहीं आता है। बच्चों की कैसे तालीम खर्च करें, कपड़े लें, या कोई भी चीज़ें नहीं ले सकते। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में महंगाई नहीं है? इंडिया में क्यों 10 रुपये की चीज़ 10 में नहीं मिलती है? इधर 10 की लेते हैं, वो 20 लगा के देते हैं। हम क्या करें? आपको फूड बेचना लाओ नहीं है? नहीं है ना। तो फिर हिंदू मतलब क्यों नहीं खाते हिंदुओं के हाथ से? क्या मसला है वो आप लोगों को पता होगा? हम तो खा रहे हैं। अभी आपने भी कोई चीज़? आप खा रहे हो, बाकी लोग नहीं खा रहे। हाँ। तो फूड का काम हिंदू नहीं कर सकते? नहीं। और इसके अलावा कौन से काम है जो सिंध में अलाउ है, जो आप कर सकते? बस ये हम कपड़े बनाते हैं बस। कपड़े कढ़ाई वाले? कढ़ाई वाले वो मार्केट में बेचते हैं। इंडिया भी गए थे आप? अच्छा, इंडिया इसको लेके गया था, फिर किसने, गरीबों ने मदद की इसकी, मतलब जो इसको बुखार चढ़ता था इंडिया में, लास्ट से वो बुखार खत्म हो गया। खत्म हो गया। जब इंडियन डॉक्टर्स ने आपको कहा था कि इसको 1.5 साल बाद वहाँ लेके जाएं, तो फिर आप नहीं ले? मेरे पास गुंजाइश नहीं रही, मैं खुद कारोबारी आदमी हूँ, दुनिया को पता है, मैं खुद सेठ आदमी था। इस बच्चे के लिए मैंने सारा चीज, घर की सारा मैंने लीलाम कर दिया। अच्छा, इंडिया में मना महंगाई नहीं है, पाकिस्तान में मना महंगाई ज्यादा है। ठीक है, पाकिस्तान के लोगों ने लूट के खा लिया। हाँ, लूट के खा लिया। हाँ। और हमारे को बेच दिया बस। इंडिया के लिए ये ऐसे जा रहे हैं क्यों? एक हम हिंदू आदमी हैं, इधर ये महंगाई इतनी हो गई है, जो घर का पेट नहीं पाल सकते हैं, वो बच्चों का इलाज हम क्या करा सकते हैं? इस महंगाई में इतना काम खराब कर दिया है। जो 500 रुपये लेके आते हैं ना, वो घी आते में होता है, फिर दूसरों के लिए तो कुछ भी नहीं होता है, घर के लिए। हॉस्पिटल का हाल देखिए, अंदर जो है घास फूस है, ठीक है,
और ये जी टूट फूट का शिकार हो गए। 7 सालों से ये हॉस्पिटल बंद है और कभी किसी ने आके जो है इस हॉस्पिटल को रीओपन करने की जो है जहमत ही नहीं की। दीवारें देखिए, दीवारों में जी हॉस्पिटल के क्रैक्स आ चुके हैं और ये इसका जो है ना हॉस्पिटल का जो है मरकजी दरवाज़ा है। हमने बहुत कोशिश की, हाँ यही भी ज़रा देखें यहाँ पर कितना ज़्यादा गंदा पानी खड़ा है, यहाँ पर जो है डेंगू मच्छर और इस तरह के अजीबोगरीब बीमारियाँ फैल के बस्ती में जाती है। बस्ती में जो है सालाना जो बच्चों की डेथ रेशो है वो मच्छर के काटने की वजह से ज़्यादा जो है ना रिकॉर्ड की गई है। इसके लिए हम दफना देते, हमारी गुंजाइश ही नहीं इतनी, हम खाने पीने में परेशान, इतना खर्चा कहाँ से करेंगे। सही, अच्छा ये वजह है कि चंदन की लकड़ी चाहिए, नारियल चाहिए, तेल चाहिए और वो सब चीज़ें 300 रुपया कमाने वाला कहाँ से करेगा, तो इसलिए आप दफना देते। हाँ, दफना देते। अगर ये सहूलियात मिल जाए तो आप भी फिर जलाओगे? हाँ, सहूलियात हमारे को मिल जाए तो हम भी जला देंगे। चुन्नी ओढ़ के बाहर निकलते थे, ऐसे निकलते थे बाहर। अच्छा, पहन के ऐसे निकलते, बुर्का पहन के निकलना होता था घर से बाहर? अगर नहीं निकलते तो देखते नजर मारते हैं, ऐसे छेड़ते हैं। छेड़ते भी है पाकिस्तानी लोग वहाँ पे? तंग करते थे मुसलमान, बोलते थे। अच्छा, मुसलमान लोग तंग कर रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कलमा पढ़ो, स्कूल पे ये करो, बोलते हैं तुम्हारा बेटी दे दो, बेटी दे दो। हाँ, पाकिस्तान वाले बोल रहे थे ये इसके लिए। हाँ, हमने ये सब पाकिस्तान छोड़कर। हाँ, और हम भारत में आए। हाँ, होली नहीं बालने देते हैं, दिवाली नहीं करने देते हैं। हाँ, होली दिवाली नहीं करने देते, नहीं करने देते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? बोलते हैं तुम हिंदू हो। हाँ, आप करना है तो छिपके करो, छिपके करना है। हाँ, जो इंडिया से आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगी, क्या गुजारिश करेंगी जो इंडिया से देख रहे हैं आपको? हमको इंडिया में देखते हैं, हम ये सही बोले थे आप सबको, हमारी यही से उस बोले हमें सहूलत दे। पाकिस्तान के हालात वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं ही, लेकिन हिंदुओं के लिए पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पहले भी ये चीज़ें देखने को मिलती थीं कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रहते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनसे ये कहा जाता है कि वो मुसलमान हो जाएं और कुरान पढ़ें और अपने मज़हब को वो छोड़ दें और उनके जो भी फेस्टिवल्स हैं वो भी वो ना मनाएं। और अभी ऐसी कुछ वीडियो सामने आई हैं कि पाकिस्तान से जो हिंदू हैं वो इंडिया के अंदर गए हैं वहाँ रहने के लिए, और उनसे जब पूछा जाता है कि वो पाकिस्तान क्यों छोड़ कर आए हैं तो उनका यही कहना होता है कि वो हमें कहते थे कि आप मुसलमान हो जाओ, आप कुरान पढ़ने लग जाओ और आप अपने मज़हब को छोड़ दो। हिंदू लड़कियों का कहना है कि वहाँ पर उनकी इज़्ज़त नहीं थी और अगर उनकी कोई बात ना मानी जाए तो उनसे कहा जाता था कि वो अपनी लड़कियाँ जो हैं वो हमें बेच दें, या अगर उन पर कोई कर्ज़ा वगैरह हो जाता था और अगर वो कर्ज़ा नहीं उतार सकते तो उनको ये कहा जाता था कि अपनी बेटी दे दें कर्ज़े की जगह पर, और हिंदू लड़कियाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं थी पाकिस्तान के अंदर। भी पाकिस्तान के अंदर जिस एरिया में हिंदू रहते हैं वहाँ के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और हॉस्पिटल वगैरह बंद हैं, स्कूल बंद हैं, सब कुछ चीज़ें बंद हैं।